जय हिंद जय स्टूडेंट, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। आज हम लोग लेकर के आए हैं मस्ट वॉच सीरीज। किस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस जो हम लोग देखें कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं और उनको हम कैसे कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करें। ठीक, तो सबसे पहला जो हम लोग यहाँ पर टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एरर एनालिसिस। एरर, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट इज नोन एज एरर। जब भी हम कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं और मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी आ जाती है, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट इज नोन एज एरर। ठीक, उस एरर को अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है, ढेर सारे परसेंटेज एरर। जैसे हम लोग एरर को सॉल्व करने के लिए तीन चीजों को यूज करते हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। शॉर्ट में एक बार देखते हैं, एब्सोल्यूट एरर क्या बोलता है, निरपेक्ष त्रुटि क्या कहता है। बोले एब्सोल्यूट एरर निरपेक्ष त्रुटि कहता क्या है, इसके बारे में देखा जाए तो एब्सोल्यूट एरर निरपेक्ष त्रुटि क्या कहता है, बोले डेल्टा ए, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। जो ट्रू वैल्यू है हमारे पास जो एग्जैक्ट होना चाहिए, माइनस जो हमको मिला, इसका मॉड जो होता है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर निरपेक्ष त्रुटि। तो हमने देखा यहाँ पर हमारे पास ट्रू वैल्यू वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हमको मिला उससे हमने निकाला एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर के बाद हमको चाहिए रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर होता है एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। और अगर हमको परसेंटेज एरर चाहिए, परसेंटेज एरर, तो बड़ा सिंपल है, परसेंटेज एरर इज एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100%। ये बात हो गई परसेंटेज एरर की। ठीक है, अब हम देखें कि कोई फिजिकल क्वांटिटीज जब मिलकर के बनते हैं तो उनमें से कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए आपने एक फॉर्मूला पहले से पढ़ रखा होगा, दैट इज जेड इज इक्वल्स टू ए का पावर पी, बी का पावर क्यू और सी का पावर आर। ये आपने पहले से पढ़ रखा होगा। ऐसे कोई फिजिकल क्वांटिटी जेड है, ए का पावर पी, बी का पावर क्यू, सी का पावर आर, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है परसेंटेज एरर के लिए डेल्टा जेड अपॉन जेड मल्टीप्लाइड बाय 100% पावर मल्टीप्लाइड डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय 100%। हाँ, बात क्लियर है, ये चीज़ें ऐसे करते ना, प्लस क्यू डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय 100% प्लस सी का पावर है आर डेल्टा सी अपॉन सी मल्टीप्लाइड बाई 100%। मीन्स यहाँ से जो बात आपको पता चल रही है वो क्या है, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, त्रुटियाँ हमेशा जोड़ी जाती हैं। अब इसी पे हम लोग इनको ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है इसको बनाने वाले हैं। ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान दिया जाए। इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2% एंड दैट इन मेजरिंग इट्स मास इज 3%, देन द एरर इन द मेजरमेंट डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द स्फीयर। ठीक है, कह रहा रेडियस में कितने परसेंट का एरर आ गया, 2% का। अब जब रेडियस में 2% का एरर है और मास में कितने का है, 3% का, हमको किसमें चाहिए, डेंसिटी में। ठीक है, घनत्व में चाहिए, त्रिज्या में 2% की त्रुटि है, द्रव्यमान के मापन में 3% की त्रुटि है। तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, 4/3 πr³। स्फीयर है तो ये 4/3 π तो कोई एरर होना नहीं, तो कांस्टेंट है, इनको हटा दीजिए। आपको क्या मिल गया, बोले डेंसिटी चाहिए, डेल्टा रो अपॉन रो मल्टीप्लाइड बाय 100% इज इक्वल्स टू m, डेल्टा m अपॉन m मल्टीप्लाइड बाय 100% प्लस 3 δr अपॉन r मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो यहाँ से जो चीज़ अपने को मिली ये क्या है, m डेल्टा m। तो बोले मास में कितना परसेंटेज एरर है, हमको यहाँ पर दिया हुआ है मास का परसेंटेज एरर 3% प्लस पावर मल्टीप्लाइड बाय 3, रेडियस में कितना एरर दिया हुआ है 2% का, तो हमको टोटल कितना मिल गया एरर 9%। 3 × 2 = 6, 6 + 3 = 9, 9% का एरर आ गया अपने को। कितने का एरर आया, 9% का एरर आ गया। Which of the following is the most precise instrument? ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, मोस्ट प्रिसाइज कौन सा है जिससे कि हम लेंथ मेजर कर सके, तो बोले मीटर रॉड। लीस्ट काउंट कितना दिया है, 0.1 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। दूसरा, वर्नियर कैलिपर्स ऑफ लीस्ट काउंट 0.3। अब देखिए कि जब भी हम यहां पर बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्रिसाइज, ठीक, दो चीजें होती हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, एक्यूरेट किसको बोलेंगे, जब हमारे पास कोई एक ट्रू वैल्यू पता हो, ट्रू वैल्यू को जितना ज्यादा क्लोज, ट्रू वैल्यू के जितना ज्यादा क्लोज हमारा ऑब्जर्व वैल्यू आएगा उतना ज्यादा हम बोलेंगे कि हमारी जो वैल्यू है वो प्रिसाइज है। ठीक, एक्यूरेट कौन, सॉरी, कौन ज्यादा एक्यूरेट है, बोले जो ट्रू वैल्यू के एकदम पास में हो। ठीक, जो वैल्यू ट्रू वैल्यू के ज्यादा पास होगी उसे ज्यादा एक्यूरेट बोलेंगे, और जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ डेसिमल्स होंगे या कह लीजिए ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू। ठीक, तो यहां पर देखो कि भाई जिसमें लीस्ट काउंट कम होगा वो ज्यादा प्रिसाइज होगा। तो लीस्ट काउंट किसमें कम है, तो इसमें आप देखें कि हमको यहां पर मिला है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, मतलब इसको अगर mm में लिखें तो 1 mm, इसको अगर लिखें हम लोग mm में तो 0.1 mm, और ये mm में हो जाएगा 0.01 mm मिलीमीटर। तो देखो जो सबसे छोटी वैल्यू है, आप सेंटीमीटर से भी इस बात को देख ही सकते थे, यूनिट सेम है, तो ये हमारे लिए जो स्क्रू गेज है उस वो ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू देगा। मींस उसमें जो चांसेस हैं एरर होने के वो बहुत कम रहने वाले हैं, मींस उसमें ज्यादा एरर नहीं होने वाला है। ठीक, तो हम लोग देखें कि हमारे पास दो वैल्यूज को दो तरीके से हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू मोस्ट एक्यूरेट है या कौन सी वैल्यू मोस्ट प्रिसाइज है। तो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू वो होती है, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू वो होती है जो ट्रू वैल्यू के ज्यादा क्लोज हो। ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू वो होती है जिसका लीस्ट काउंट कम हो या नंबर ऑफ डेसिमल्स उसमें ज्यादा हो। तो यहां पर हमको ये देखने को मिल रहा है ऑन द सेम यूनिट सिस्टम, तो यहां पर ऑप्शन सी सही है। चलो दूसरा अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर RT1 एक दिया हुआ है आपको पहले, एंड T2 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर डिफरेंस एंड एरर इन द रिजल्ट, हमको टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए और क्या चाहिए, एरर इन द रिजल्ट चाहिए। टेम्परेचर डिफरेंस तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ एक और चीज चाहिए, एरर लिमिट, की उसमें कितना एरर हो सकता है और कैसे उस चीज को हम लोग फाइंड आउट करें। तो हमको सबसे पहला तो सिंपल हमको एक बात पता है कि टेम्परेचर डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो टेम्परेचर डिफरेंस के लिए क्या कर देंगे, T2 माइनस T1, तो T2 दिया हुआ था 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, T1 इज गिवन 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ये भी दिया हुआ। अब कह रहा कि माइनस करना है, तो टेम्परेचर डिफरेंस में हमको जो ध्यान देने वाली चीज है वो ये है कि 50 और 20 ये तो इसकी वैल्यू है, रीडिंग है, तो इनको हम माइनस कर देंगे। तो जो आपको चेंज इन टेम्परेचर वो मिला वो कितना मिल गया, 30। चेंज इन टेम्परेचर कितना मिल गया, 30। इधर क्या होना चाहिए, इधर आपके माइंड में दो चीजें आ सकती हैं, 1.0 या केवल 0, क्योंकि उसको भी माइनस कर दोगे तो 0 मिलेगा। ठीक, अगर उसको आपने माइनस किया तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, 0। लेकिन हम उसको माइनस करेंगे नहीं, क्यों, अभी हम लोगों ने एक बात रिवाइज किया, आपने पहले भी इस चीज को ध्यान दिया होगा, Errors are always added, त्रुटियों का हमेशा योग होता है, Errors हमेशा add किए जाते हैं, Errors are always added, त्रुटियों का हमेशा ही योग होता है, त्रुटि हमेशा जोड़े जाते हैं। टू रजिस्टर्स ऑफ रजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू 300 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 500 प्लस माइनस 4 ओम कनेक्टेड इन सीरीज। अब यहां पर एडिशन की बात कर रहा है, हमको क्या चाहिए, कॉम्बिनेशन चाहिए, तो बोले R1 एक हो गया, दूसरा R2 सीरीज में क्या आता है, बोले सीरीज का फॉर्मूला क्या कहता है, टू रेजिस्टेंसेस एडेड इन सीरीज, सिंपली R1 प्लस R2 कर दीजिए, सिंपली क्या कर देंगे, R1 प्लस R2 कर देंगे। तो चलो R1 कितना मिला अपने को भैया, 300
प्लस माइनस 3 ओम। आर टू कितना मिल गया, 500 प्लस माइनस 4 ओम। अब सिंपल ऐड कर देना है तो बोले इनको ऐड कर दीजिए, 800 प्लस माइनस 3 प्लस 7, तो हमको कौन सा ऑप्शन सही मिला, बोले ऑप्शन बी इज करेक्ट, 800 प्लस माइनस 7। ठीक, तो आपने देखा पिछले क्वेश्चन में, इन द लास्ट क्वेश्चन हमने न्यूमेरिकल वैल्यू जो उसकी वैल्यू थी, मेजर्ड वैल्यू थी, उसमें जो उसने ट्रू वैल्यू को बोला प्लस करने को बोला, देखो यहाँ पे प्लस कर दिया। पिछले क्वेश्चन में बोला था माइनस करने के लिए तो हमने माइनस कर दिया, बट एरर्स वहां पर भी ऐड किए गए थे और एरर यहां पर भी ऐड किया गया है। सो एरर्स आर ऑलवेज एडेड, त्रुटियों का हमेशा ही योग होता है, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, एरर्स को हमेशा क्या करेंगे हम ऐड करते हैं। तो यहां पर हमको मिल गया ये ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक, अब देखें कि हमने बोला कि अलग अलग कंडीशन में जो हमारे फॉर्मूलेज हैं वो बदल जाते हैं, तो यहां पर हमको एक चीज दिखाई दे रही है, जेड इज इक्वल्स टू ए का पावर 4 दिया हुआ है, बी का पावर 1/3, सी डी का पावर 3/2 ये दिया हुआ है। अब हमको क्या चाहिए, बोले हमको चाहिए रिलेटिव एरर चाहिए। रिलेटिव एरर क्या कहता है, बोले एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, पावर्स आर मल्टीप्लाइड। अभी अपने बनाना इस चीज को सीखा है, तो 4 डेल ए अपॉन ए प्लस 1/3 डेल बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी प्लस 3/2 डेल्टा डी अपॉन डी, ये बनाने का तरीका है। बोले यहां पर क्या करें, बोले पावर्स मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू होता है, तो पावर इसका ए का 4 था मल्टीप्लाई में आ गया, बी का पावर 1/3, सी का पावर 1/3, डी का पावर 3/2 था, बाकी सब इसका रिलेटिव एरर ही लिखा गया है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। अब देखते हैं ये किस में मैच कर रहा है, 4 डेल्टा ए अपॉन ए 1/3, तो फिर यही वैल्यू मैच कर रही है। ठीक है, कंफ्यूजन थोड़ा सा यहां पर आपको हो सकता है कि भाई ये नीचे जो इसकी पावर्स हैं, पावर्स आर नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव पावर दी हुई है, तो जब पावर नेगेटिव दी हुई है तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, बोले ये नेगेटिव लिख सकते हैं, बोले नहीं एरर की बात कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होती उनको ऊपर ले आते हैं तो पक्का ये पावर नेगेटिव हो जाती। ठीक, पावर अगर लिखेंगे इसको तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए का पावर 4, बी का पावर 1/3, सी का पावर -1 एंड डी का पावर -3/2। फिजिकल क्वांटिटीज के लिए चीजें ठीक है, बट जब हम उनको इन केस ऑफ एडिशन लिख रहे होंगे तो वहां पर हम क्या कहते हैं, बोले एरर्स आर ऑलवेज एडेड, त्रुटियों का हमेशा योग होता है, एरर्स हमेशा ऐड किए जाते हैं, इस वजह से हम यहां पर क्या करने वाले हैं, एडिशन, यहां पर हम इसके लिए पॉजिटिव साइन लगाएंगे, नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। ठीक, तो आप देखें इन दोनों में एक ही डिफरेंस है पॉजिटिव नेगेटिव का, इस वजह से यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मींस एक चीज हमको एरर के बारे में जो हमेशा ध्यान रखना है, ठीक, कि जिसकी पावर ज्यादा है उसको हमेशा एरर एनालिसिस से क्या पता चलेगा, जिसका पावर ज्यादा है, देखो वो टोटल एरर में ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है ना, जिसका पावर ज्यादा है उसको ज्यादा एक्यूरेसी से मेजर करिए, जो चीज बार बार यूज होने वाली है उसमें गलती कम रखिए। ठीक, जो चीज रेयरली यूज है उसमें ज्यादा भी रहेगा तो उतना कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो एरर एनालिसिस से हमको जो बात पता चली, वहां से सबसे मेन पॉइंट ये निकल के आया कि जिसकी पावर ज्यादा है उसका मेजरमेंट ज्यादा ध्यान से करना चाहिए। दूसरी बात, एरर्स और ऑलवेज एडेड, ठीक, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, इन 4 क्वांटिटीज 5, 6, 7 कितने भी हो सकते हैं, ठीक, उनकी जो एरर होंगी वो क्या होंगे, बोले वो हमेशा जोड़े जाएंगे, मींस एरर के इस इक्वेशन में कभी भी आपको निगेटिव नहीं मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार।
अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस अकेडमी।